इंडियन नेशनल लोकदल जिला इकाई की ओर से किसानों को धान का उचित दाम ना मिलने एवं प्रदूषण के लिए किसानों को दोषी बताए जाने के विरोध में करनाल के लघु सचिवालय पहुंचकर रोष प्रदर्शन किया गया। जी हां, इस अवसर पर इनेलो के नेताओं ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इनेलो के नेताओं ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि उनकी बात सरकार तक पहुंचाई जाए ताकि धान का किसानों को उचित मूल्य मिल सके और किसान बर्बाद होने से बच जाए। उन्होंने कहा कि किसान जब से धान पैदा कर रहा है तब से कुराली को भी जलाता है, परंतु मौजूदा सरकार किसानों पर मुकदमे दर्ज कर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रही है, जिसके लिए इनेलो हर स्तर पर आवाज उठाएगी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष यशवीर राणा, ओम प्रकाश सलूजा, सुरजीत सिंह संधु, राजेश सिंगला, चंद्रभान इनेलो नेता सहित बड़ी संख्या में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। धान और कपास की खरीद चालू की जाए। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रुक जा यार, एक मिनट करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धान की खरीद चालू की जाए चालू की जाए चालू की जाए। धान की खरीद चालू करो चालू करो चालू करो। के भाव ठीक दो ठीक दो ठीक दो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद की हुई है। वो जीरी की खरीद शुरू कराने बारे, कपास की जीरी कपास की खरीद शुरू कराने बारे और इनके उचित दाम दिलवाने बारे हम आज इकट्ठा होकर यहाँ ज्ञापन सौंपा है। हमने ये भी कहा है कि पराली जो चालान बेकार के किए जा रहे हैं ये सरकार वापिस ले और जो इस प्रणाली को खत्म करने के लिए जो उस पर व्यय होता है, जो उस पर खर्चा होता है प्रति एकड़, वो सरकार चाहे सेंटर सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, उसको वहन करे। किसान पहले ही मरा पड़ा है और उन्होंने पहले ही बेखूबी इस प्रदेश की किसान का मजदूर की आवाज उठाई और अब भी 1.25 लाख से एकड़ आऊ अब भी वो मुद्दे उठाते रहेंगे। और जब जैसे कि ये नई सरकार बनी है, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत ने शपथ ली, जिस दिन से इन्हें शपथ लिया उसी दिन से सरकारी जीरी की खरीद बंद हुई है और किसान पर एक बहुत ही भारी दबाव पड़ा है, मार पड़ी है। जैसे कि ये कह रहे हैं किसान पराली जलाते हैं, प्रदूषण होता है, प्रदूषण किसान की पराली से नहीं होता, प्रदूषण तो बहुत कुछ होते हैं। और जैसे कि अपने अपने सरकार पीछे 5 साल की खट्टर की सरकार रही, 5 साल में एक ने ये कहा हम किसान को ये दे रहे हैं, किसान को ये सहायता दे रहे हैं, जबकि कोई सहायता नहीं दी जा रही। अपने चहेतों को जो औजार बांटे गए हैं वो औजार उनके यूं क्यों आज भी मुमजमा नहीं बांटे, यूं क्यों उधर है। वो सब्सिडी लेते हैं, पैसे लेते हैं, कोई कुछ नेता उसमें ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी गई है, बड़े बड़े औजारों पर सब्सिडी दी गई है। सरकार को चाहिए ये ऐसे औजार देने की बजाय तो किसान को सीधा 5,000 रुपए, कम से कम 5,000 रुपए दे दे, जिसमें के किसान उस प्रणाली का अपना आप ही समाधान। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।